मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद नर्सेस एसोसिएशन द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इंदौर में भी नर्सेस एसोसिएशन द्वारा गांधी जी का संदेश देते हुए पीपी किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के एमटीएच हॉस्पिटल में आज नर्सेस एसोसिएशन द्वारा पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार विरोध सप्ताह के दौरान उनकी मांगों पर विचार कर सकारात्मक पहल नहीं करती तो नर्सेस एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कहना है कि वर्तमान सरकार गूंगी और बहरी और अंधी हो गई है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। आज हमने पीपीई किट पहन के एमटीएच हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके तहत हमने सरकार और शासन को ये बताने की कोशिश की है गांधी जी के तीन बंदर बना के प्रशासन और शासन दोनों बहरे हो गए हैं, इनको हमारी मांगें सुनाई नहीं दे रही। ये गूंगे हो गए हैं क्योंकि इनको हमसे वार्तालाप ही नहीं करना है, ना शासन को ना प्रशासन को। अंधे हो गए हैं क्योंकि इनको नर्सेज की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही। ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि नर्सेज को विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांगें शासन तक पहुँचाना पड़ रहा है। आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं और कल हम पूरे एमवाईएच कैंपस को मानव श्रृंखला और तख्तियां लेके विरोध दर्ज कराएंगे और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे।